out of the Nikki Koshish and the Shadow. Look at that sporting skills coming in from Shadow. Ek aur play ko knock kara jayega and we are one on the back foot. We are one. TSM आगे move करते हुए नजर आ रहे players. देखिए डर किसी भी बात का नहीं है. Ninja आगे जाएंगे. एक और knock निकालेंगे. We are one is done for. काफी बेहतरीन fight यहाँ पर आती है TSM की तरफ से. 10 finishes already. इनके पास आ चुके, पीछे गाड़ियों की भी आवाज आ चुकी थी. आप इस टीम को चैलेंज नहीं कर रहे, आप अपनी यहाँ पर कबर खोद रहे हैं. अगर आप TSM को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं, 13 finishes already इस टीम के पास आ चुके हैं. प्लेयर फिनिश नहीं हुए, ये फाइट अभी भी है जरूर, बट वेल अब बैकफुट पर टीम जा चुकी है. 4v3 का यहां पर सिचुएशन था, 4v2 इनफैक्ट बन चुका है. इनफैक्ट भी है 4v1, देयर इट इज 3v1 सिचुएशन, 2v1 सिचुएशन. प्रिंस के हिस्से में गेम जा सकता है. इट्स डाउन टू अ 1v1 प्लेस वर्सेस प्रिंस. विल प्रिंस बी द किंग हियर और व्हाट्स गोना हैपन, क्योंकि उनको आखिरी प्लेयर प्लेस को पिक करना ही पड़ेगा पूरी फाइट बनाने के लिए. हेलमेट पूरा का पूरा गया, गुजरा हो चुका है प्रिंस का. फाइट निकाल करके अपनी टीम को इंपॉर्टेंट 15 पॉइंट्स देने पड़ेंगे. ब्लेज 3 फिनिशेस है, चौथा यहां पर मार सकते हैं. मौके पे चौका मारने वाली बात हो सकती है. गोइंग फॉर द फिनिशेस एज वेल. फिनिश पॉइंट्स एक्युमुलेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सारंग की एचपी लो थी, उनको फिनिश की जगह ब्लेज स्पॉटेड. ब्लेज ही स्पॉटेड राइट नाउ. प्रिंस के साथ यहां पर एक नेड कुक कर रहे हैं. अगर जंप नेड करते जरूर वहां तक जाएगा. ही गोस फॉर इट, हल्का सा जंप लिया था, नेड वहां पर गया जरूर है, बट ब्लेज के थोड़ा सा पीछे रह जाएगा. ब्लेज की तरफ से भी एक ग्रेनेड जाने की कोशिश हो सकती है. ये फाइनल फाइट बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रिंस survives the first one, he's trying to survive the second one as well, but kitni der tak survive kar payenge. Need bilkul unke kareeb tha, but wo ped ka difference, but Prince he's doing a bold move. Wo samne aa chuke hain aur Blaze unko spot kar chuke hain. Ye bahut important hai. Agar ek aur need ya ek aur molotov rehta hai, kafi acha usse. Blaze is in the open. Blaze is 1 HP. Ek goli aur and 7 C's. अगर वो ऐसा कर जाते हैं तभी उनके पास एक अपॉर्चुनिटी बनेगी, बट जी नहीं. एक्नोक्स देखिए क्लोज रेंज के लिए परफेक्ट लोडआउट उनके पास था. एकेएम है, एक M4 है, साथ में लेवल 3 का हेलमेट है, लेवल 3 का वेस्ट है. बहुत शानदार तरीके से वहां पे उसे फाइट को अंजाम देते हुए नजर आए हमें. नेड परेड एक्सपेक्टेशंस यहां पे बहुत ज्यादा. कौन से नेड के साथ कोई प्लेयर अगर नॉक होता है तो रश यहां पे देखने को मिलेगा, बट अभी के लिए कोर्नर चेक करने बहुत जरूरी है. आगे अंदर प्लेयर आने की कोशिश करें, स्मोक भी यहां पे देखने को मिल जाएंगे. हियर यू गो, ज़ाइफर का नेड आता हुआ, शैडो को नॉक करा जाएगा. एक और प्लेयर को स्पॉट किया, बट प्लेस वहां पे रिटेलिएशन में ज़ाइफर को नॉक एंड फिनिश कर देंगे. टीम TSM 7 फिनिशेस निकाल चुके हैं ऑलरेडी एंड खेल अभी शुरू हुआ है. एग्जैक्टली यहां पर 2 प्लेयर बचे जरूर से. लेट्स सी कि प्लेस का ये जो ग्रेनेड है वो यहां पर कनेक्ट होगा या नहीं. ओके, अभी के लिए क्लोज जरूर से क्या, लेकिन कनेक्शन आएगा नहीं. सोलो मैन स्टैंडिंग फ्रीक यहां पर हमें देखने को मिलेंगे. कैन ही फ्रीक आउट TSM, वो एक देखने वाली बात. लेकिन वहां पर एडीएस उन्होंने अपना खोल दिया. एलिमिनेशन टीम 4 व्हाइट शार्क्स का हमें देखने को मिल जाएगा. एंड TSM 9 फिनिशेस ऑलरेडी निकाल चुके हैं. अभी तो मैच स्टार्ट हुआ था. वी आर वन वर्सेस 7M, ये फाइट है वो भी निश्चित रही. यहाँ पर अभी के लिए वी आर वन थोड़ा मुश्किल स्थिति में जरूर से नजर आ रही, क्योंकि 2 खिलाड़ी उनके डाउन हो जाएंगे. सिड को यहाँ पर एक बहुत क्रूशियल रोल जरूर से अपनाना पड़ेगा एंड वापस स्पॉट करके डाउन करेंगे आखिरी खिलाड़ी को भी. मल्टीपल फाइट एक साथ यहाँ पर देखने को मिलती हुई. इन्फ्यूज अगर ये फाइट जीतती है तो उनके चांसेस भी बढ़ सकते हैं, लेकिन चांसेस वो नजर आ नहीं रहे बिकॉज TSM जो है उन्होंने पहला नॉक ऑलरेडी निकाल दिया है. अभी रुकने का नाम भी नहीं ले रहे. अभी 3 प्लेयर्स और भी हैं, वो भी खत्म करेंगे क्या. 30 बॉम्बर, हम 30 पॉइंट्स की बात करते हैं, 30 फिनिशेस की बात कर रहे हैं. अलग ही खेल चल रहा है. 45 अंक एक मैच से लेते हुए TSM आपको नजर आ सकती है. व्हाट इज हैपनिंग शैडो, हियर यू गो, इट्स ओवर. काफी मुश्किलों का प्रिडिक्ट करना जो फुटस्टेप्स वगैरह हैं वो, और साथ ही साथ हीलिंग्स और थ्रोबल्स का भी अच्छा इस्तेमाल वहां पर करना पड़ेगा. बट मीनवाइल यहां पर एक फाइट हमें देखने को मिलेगी टीम एक्सपार्ट के. मवी यहां पर क्लोज क्वार्टर्स में ऑलमोस्ट 1v2 करने वाले थे. डॉट एचपी सरवाइव जरूर से कर रहे हैं वहां पर इनके ओपोनेंट, बट लेट्स सी कि क्या सही वक्त पे वहां पर जो बाकी के खिलाड़ी है वो पहुंच पाएंगे. काफी मुश्किल स्थिति, कल बहुत मुश्किल स्थिति. और स्मोक भी यहाँ पे कर दिया जाता है, रिवाइवल की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया. एक और प्लेयर जो पहले नॉक हुआ था उनको यहाँ पर नॉक कर दिया जाएगा. क्या मवी को बचाया जा सकता है. गिल आगे बढ़ने की कोशिश, गाड़ी में इनको भेजा गया कि यहाँ पे वो यहाँ पे क्लच करके दिखाए. दोनों प्लेयर जो सुन के सामने है, एक डॉट एचपी पे बरकरार है. क्या यहाँ पे गिल कोई मैच कर पाएंगे, प्लेयर को नॉक करते हैं. दूसरा प्लेयर उनके बिल्कुल सामने. गिल पहले मवी को बचाएंगे या पहले क्लच करेंगे, लेट्स फाइंड आउट. थग अभी भी वहां पे है. देखिए यहाँ डिसीजन मेकिंग का समय आ जाता है कि क्या आप सही डिसीजन ले पाएंगे. एंड सही डिसीजन यही था कि बाकी प्लेयर्स आएंगे. एंड हियर यू गो, टीम एक्स पार्क ऑफ टू अ वंडरफुल स्टार्ट. बट अभी खेल खत्म नहीं हुआ क्योंकि थर्ड पार्टी शॉट्स उनके ऊपर आते नजर आ जाएंगे आपको. ताकि उन्होंने अपने आगे स्मोक करे और अभी के लिए स्मोक में कोई नहीं ज्यादा फ्लैगी. गाड़ी में बैठ चुके हैं, आगे जाने की कोशिश सारे के सारे प्लेयर्स के पास. बट गिल की पोजीशन जैसा कि मैंने कहा था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. बट गिल को यहां पर स्पॉट कर लिया जाएगा, नॉक भी कर दिया जाएगा. ये एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा इस फाइट के अंदर, क्योंकि अब एक्सपा के पास
सिर्फ दो प्लेयर्स बचे हैं। बिल्कुल, स्काउट को भी वहां पर पॉट कर लिया गया। काफी बढ़िया एक स्प्रे जाएगा, एक और खिलाड़ी वहां पर डाउन होता है। स्काउट ओपी बीइंग द लास्ट मैन स्टैंडिंग, टीम एक्स टर्मिनेटर यहां पर इजीली क्या उनको स्पॉट कर सकते हैं? जी हां, एलिमिनेशन टीम एक्स पार्क का हमें देखने को मिल जाएगा पांचवे पायदान पर। एंड टीम एक्स टर्मिनेटर जो कंसिस्टेंसी जिसके साथ उन्होंने राउंड वन राउंड टू में परफॉर्म किया था, दिखाते हुए कि अंडररेटेड के अंदर भी बहुत दम है और एक बहुत एक्सपीरियंस लाइनअप का खात्मा। एब्सोल्युटली ब्लू जोन के बाहर नहीं है तो अभी भी थोड़ा समय तो है उनके पास मूवमेंट करने के लिए। हाइड्रो के प्लेस, ओ बमला बॉय, ये बहुत अच्छा मूव है, बहुत ज्यादा बोल्ड मूव उन्होंने किया। पीछे वाले स्मोक में आ चुके हैं, वेम्पायर यहाँ पे पिक लेने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पावर टूटे का मूवमेंट बहुत बेहतरीन था। इनफैक्ट बमला बॉय पीछे से आते हैं, एक पिक निकालते हैं, अल्ट्रॉन दूसरी तरफ हाइड्रो के ही प्लेयर्स के ऊपर चढ़ चुके हैं और उनके एक पिक को डाउन कर दिया। इस टीम एक पग चैलेंज हाइड्रो, वो एक इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि उनके पीछे से मावी आ चुके हैं। पावर टूटे की एचपी लो है, बमला बॉय 75% एचपी पर सर्वाइव कर रहे हैं बट मावी डजंट केयर, ही स्पॉट्स वन शॉट वन टेक्स वन डाउन। अगले पिक को यहाँ पर स्काउट डाउन करेंगे। ये दोनों प्लेयर्स गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। X-Spark is not a spark anymore, they are lightning. Exactly, no finishes. वो यहाँ पर already निकाल चुके हैं, लेकिन एक बार to make a single move. देखिए दोनों टीम्स ने एक एक नॉक निकाला, फर्क ये है कि वहां पर टीम हाइड्रो के जो खिलाड़ी थे वो नॉक हुए और फिनिश ऑफ भी हो गए। और एक बार फिर से टीम एक्सट्रैक्शन जो है वो यहाँ पर मुश्किल में डालेंगे। बमला बॉय की बात करें तो वो हो जाएंगे नॉकआउट और उनको रिवाइव मिल पाना काफी ज्यादा मुश्किल, तरफ से घिर चुके हैं मेरे ख्याल से। उनका यहाँ पे बच पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन जरूर से रहने वाला है। वैम्पायर भी यहाँ पर आ जाएंगे, किंग यहाँ पर आते हुए पिछले मैच में जिस तरीके से पछाड़ा गया था टीम एक्सट्रैक्शन को, इस मैच में हमका चाहिए बदला और मेरे ख्याल से वो ले भी सकते हैं। Well, जो गरजते हैं वो बरस एंडेड विद अ बैंग एज वेल एंड फिर को स्पॉट किया जाएगा। यहाँ पर शॉट्स लेने की कोशिश काफी अच्छे शॉट्स लिए जरूर गए थे, अब तो पैर ही साक्षात दिख रहे हैं वहां पर, तो इसलिए यहाँ पर पिक किया जरूर था। निंजा के पास एक 686 थी बट वेक्टर के साथ आगे जाया जाएगा, फिनिश किया जाएगा पहली टीम का सफाया। एग्जैक्टली, यहाँ पे टीम एक्सट्रैक्शन पहले आप यहां पर देखिए, लियो को रिवाइव मिल चुका है, शेर को रिवाइव मिल चुका है, ब्लाइंड के प्लेयर्स वंस अगेन को डेयर डेविल बनना ही पड़ेगा अगर फाइट अपने हिस्से में निकालनी है। अच्छे नेट्स किए गए थे, इनफैक्ट ओएमकेवी के तीन प्लेयर्स काफी लो एचपी पर है, चौथे को भी लो एचपी पर किया गया लेकिन एक नॉक निकल चुका है ब्लाइंड के प्लेयर्स। इनफैक्ट दो प्लेयर्स नॉक हो चुके हैं ब्लाइंड के और यहीं पर ओएमकेवी के भी दो प्लेयर्स नॉक्ड आउट पड़े हैं। ये फाइट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुश्किल बन जाती है ब्लाइंड के दो प्लेयर्स है। साई को आगे जा रहे हैं बट गाड़ी ने दिक्कतें दे दी, गाड़ी ने दिक्कतें दे दी। यहां पर बियर्ड बाबा रिवाइव जरूर कर लेंगे लेकिन वहीं पर उनके सामने प्लेयर आ चुके हैं, उनको रिवाइवल कैंसिल यहां पर करना पड़ेगा। सामने फाइट लेनी पड़ेगी, टेक्स वन डाउन एज वेल बट दी ऑफ एंगल, ही डिड नॉट चेक इट, ही कुड नॉट चेक इट, ही वाज नॉट लुकिंग एट दैट ऑफ एंगल और वही का पूरा हर उनके माइंड में कुछ खुराफाती चल रहा है। एक इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर बन चुका है, एक प्लेयर को स्पॉट किया अरमान ने आई गेस और थोड़े बहुत शॉट्स यहां पर यूएमपी के लिए थे, अपना बैकपैक हटा चुके हैं, उनके पास अच्छा खासा एमो होगा। दूसरी साइड पर मावी को डाउन किया जाएगा आर्टो के द्वारा, वांट्स टू गो फॉर द फिनिश, ही वांट्स टू बट लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं देखा जहां पर अल्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, अल्ट्रॉन को भी नॉक किया जाएगा। टीम एक्स पार्क, टीम एक्स पार्क, टीम एक्स पार्क, व्हाट इज हैपनिंग, किल आखिरी प्लेयर बचे हुए, पूरी उम्मीद है यहां पर फैंस की तीसरे ऊपर टीम एक्स पार्क।